हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मावेटी इजी रेसिपीज। तो आज मैं मिर्ची और नींबू की इतनी अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, और मतलब आप अगर इसे खाने के साथ खाते हो तो खाने का तो स्वाद ये डबल कर देती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, उसके लिए आप यहाँ ले लीजिए मिर्चा। मैंने उसे अच्छी तरीके से वॉश करके पोंछ लिया था, मतलब सूखा कर लिया था, इसलिए आपको गीले में ये प्रोसेस नहीं बनाना है। जैसे ही मतलब मैंने धुला था उसके बाद इसे सुखा लिया था, कपड़े से पोंछ लिया था, और देन उसके बाद इसके ऊपर वाली जो डंठल होती है उसे मैंने तोड़ के साइड में रख लिया था। आइए फटाफट से कटिंग के प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्चा एक ले लिया है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे हाफ से इसे कट लगा रही हूँ। इसे मुझे कट करके पूरा अलग नहीं करना है, याद रहे, पूरा कट करके आपको नहीं अलग कर देना है हाफ हाफ, बस आपको बीच से एक ऐसे निशान लगा लेना जिससे कि अंदर ऐसे आप देख सकते हो गैप भी हो जाएगा, बट हमें पूरा कटा भी नहीं मिर्चा। ऐसे आपको सारे कट कर लेने हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारे सारे कट हो चुके हैं मिर्चे। ये देखिए, अब हम फटाफट से आइए पैन ले लेते हैं। एक यहाँ मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल, आप यहाँ डाल दीजिए। मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। उसके बाद आप ऑयल को चारों तरफ फैला दीजिए पैन में। उसके बाद गाइस, जो आपने मिर्चा कट करके रखा था वो सारे मिर्चे को आपको उसमें पैन में डाल देना है, और जैसे ही आप मिर्चा डालोगे तुरंत आपको लो फ्लेम कर देना है। अब लो फ्लेम भाई मैंने क्यों किया, मैंने हाई फ्लेम पे क्यों नहीं भुना इसे, क्योंकि गाइस हाई फ्लेम पे अगर आप भूनते हो मिर्चे को तो हमारा मिर्चा जो है जल जाएगा, तो थोड़े से मैं भुनने में टाइम लगता है। तो आप पूरा घबराइएगा मत, क्योंकि भाई अगर आप हाई फ्लेम पे भून देते हो तो हमारा जो मिर्चा है वो जल जाएगा, इसलिए हमें हाई फ्लेम पर ही लो फ्लेम पे भुनना है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कितने मतलब अच्छी तरीके से हमारा धीरे धीरे भुन रहा है। आप कलर से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितने अच्छी तरीके से हमारा भुन रहा है मिर्चा। देखिए, मैंने आपको पास से भी दिखा दिया है। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए फटाफट से इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा नमक को इस मिर्चे में। उसके बाद आप डाल दीजिएगा इसमें 1 चम्मच अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद आपको तुरंत फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद आप डालिए चाट मसाला। फ्लेम ऑफ करने के बाद ही आपको चाट मसाला डालना है। और यहाँ मेरा 2 नींबू है, इसे अच्छी तरीके से आप पहले क्या करिए हाफ हाफ कट कर दीजिए। उसके बाद ये दोनों नींबू आप क्या करिए इसमें निचोड़ लीजिए। ये देखिए, ये दोनों नींबू मैंने इसमें निचोड़ चुका है। अब क्या करेंगे, अब मतलब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को मिर्चे में। तो लीजिए, हमारा आज का रेसिपी बन के तैयार है। फ्लेम को कर दीजिए ऑफ और अपनी सर्विंग प्लेट को निकाल लीजिए। फटाफट से करिए इसको सर्व खाने के साथ, और हाँ, ठंडे हो जाने के बाद ही आप इसे सर्व करिएगा प्लीज़। एक ज़रूरी टिप आपको देना चाहती हूँ कि आप इसे प्लीज़ 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 गीले हाथ से मत निकालिएगा, वरना ये ख़राब हो जाएगा तुरंत ही। और आप इसे फ्रिज के बाहर तो 7 से 8 दिन रख सकते हो, बट अगर फ्रिज में रखोगे तो ये ज़्यादा दिन तक आपको चल जाएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसे ही इजी वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। ये देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया क्योंकि मेरा एयर टाइट कंटेनर है। ओके बाय, फिर नहीं अगले न्यू इजी रेसिपी में।